हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ये आप लोग बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे। दोस्तों, पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हैं बेटा। हम अपनी अगले थ्योरम की बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये बेटा, कम्पिटेटिव एग्जाम प्लस आपके 9th 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्यों बेटा ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है कि आपकी क्लास 10th में, भाई ये थ्योरम तो नहीं है लेकिन इसके यूजेस हम लोग क्वेश्चन में मिल जाए दोस्तों। तो आप लोग को इस थ्योरम के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेटा मैं थ्योरम पढ़ता हूँ, कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर इज डुअल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो बेटा इसमें, इसका मैं हिंदी में बताता हूँ, कहता है कि कोई आपका सर्किल, जैसे मान लो बेटा क्या जाएगा, ये मान लो बेटा हमारा कोई सर्किल हो जाएगा। थोड़ा अच्छा बनाते हैं और दोबारा सर्किल ड्रॉ करते हैं बेटा। क्या हो जाएगा ये, जैसे मान लो हम लोग बेटा सर्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हम लोग का मान लो सर्किल है। तो बेटा इसे मान लो क्या जाएगा, ये सेंटर ओ हो जाएगा। हम लोग क्या मान लेंगे, सेंटर, ये आपका सेंटर बेटा, ये ओ आपका सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ देखो कह रहे थे मान लो बेटा ये आर्क हमारा हो जाएगा। भाई चाप बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बेटा इसे चाप बोलते हैं। तो कह रहे हैं वृत्त की परिधि अर्थात सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, बेटा कोई आर्क लिया जाए, ए बी हमने आर्क ले लिया। तो कह रहे हैं अगर ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पर सस्टेंड मतलब आच्छादित जो बेटा कोण हमारा ये है, ठीक, कह रहे ये बेटा जितना होगा, ठीक, और इसी आर्क के द्वारा, ठीक, वृत्त की परिधि अर्थात सर्कमफ्रेंस पर जो बना बेटा एंगल होगा, तो बेटा ये हो जाएगा ऐसे, और इनको ऐसे मिला दो ऐसे करके। तो बेटा अगर इनका मानना है मतलब इनको ये कह रहे हैं कि आप प्रूव करो बेटा मैंने क्या किया है, एक सर्किल लिया है जिसका सेंटर हमारा ओ हो जाएगा। कह रहे हैं ए बी आर्क के द्वारा, भाई ए बी आर्क के द्वारा, चाप के द्वारा अगर सेंटर पर बना एंगल ए ओ बी है बेटा, उसी आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस अर्थात वृत्त की परिधि पर बना कोण हमारा ए सी बी है। बेटा हमको संबंध दिखाना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल बेटा किसके हो जाएगा, टू एंगल ए सी बी के बेटा हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। कह रहा है कि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। बेटा इसकी हिंदी हो जाएगी, ये थ्योरम बेटा यूज होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे बेटा, ये हमको प्रूव करना है। अब हम गिवन क्या दे रखा है, वो गिवन है क्या, गिवन है कि अ सर्कल, भैया आपका एक सर्किल हो जाएगा, अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, भाई कोई सर्किल है जिसके पास सेंटर ओ हो जाएगा। फिर कह रहेंगे कि ए बी आर्क, भाई आर्क को हमेशा हम लोग ऐसे दिखाते हैं, क्या करो देखो बेटा आर्क हमेशा जैसे ए बी लिखा गया है, तो भाई ए बी लाइन हो सकती है। ये बेटा इसके ऊपर कर्व ऐसे बना दो तो उसे हम लोग आर्क बोलते हैं। पता जाएगा ए बी आर्क, हमें पता है ए बी आर्क हमारी हो जाएगी, इज ऑन आर्क बेटा किस पे है, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, भाई सर्किल की परिधि पर आपकी आर्क ए बी है। तो बेटा ये तो हमें इतना गिवन है, ठीक। अब बेटा हमें प्रूफ क्या करना, प्रूफ वाला ऊपर लिखा है बेटा, इसमें क्या करें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम लोग बेटा क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करेंगे बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ध्यान देना, क्या करेंगे, सी से लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे करके, सी से लाइन बेटा ड्रॉ करी जाएगी जो सेंटर से होकर के जाएगी, और ये बेटा ऐसे हो जाएगी, ठीक। तो क्या जाएगा, सी बोल दो बेटा, क्या यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ड्रॉ ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम सी, फ्रॉम पॉइंट सी लाइन ड्रॉ करेंगे, विच इज पासेस थ्रू कहाँ से जाएगी, पासेस थ्रू थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल। बेटा हमने क्या करी है कि हमने पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करी है जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट सी विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, बेटा हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ देखो हमको इसमें प्राप्त क्या होगा,
यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें, हमें बेटा यहाँ क्या मिल जाएगा, इन ट्रायंगल बात करते हैं टू ऑप्टेन, बेटा हमें ऑप्टेन यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर हमें बेटा क्या यहाँ से ऑप्टेन हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बेटा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ओ सी। बेटा ध्यान दो, अगर हम इसको नाम नेमिंग कर लेते हैं बेटा, एंगल ए को ये वाले एंगल बेटा, अगर इसको हम एंगल वन मान लें, ठीक, इस वाले को हम बेटा एंगल सी के दो पार्ट को हम एंगल टू मान लें, ये बेटा हमको यहाँ पर एंगल थ्री हो जाएगा भाई, साफ 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 लिखते हैं, ये बेटा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा मान लो थ्री बेटा हो जाएगा, ठीक, और इसको हम लोग एंगल फोर मान लें बेटा, ये वाला एंगल आपका फाइव हो जाएगा, ये वाला बेटा एंगल आपका सिक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ कि इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बेटा बी ओ सी में क्या हो जाएगा, बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो इसको प्रूव करना बेटा है, इसको अगर जैसे एंगल माने उस बेटा लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे देखो ए ओ बी, बेटा ए ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल फाइव प्लस बेटा आपका एंगल सिक्स आ जाएगा भाई, फाइव और सिक्स को हम एंगल ए ओ बी, ए ओ बी के फॉर्म को हम फाइव प्लस सिक्स एंगल में लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ देखो ए सी बी को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, हमको दिखाना है टू एंगल, टू एंगल ए सी बी, तो बेटा ए सी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल टू प्लस एंगल थ्री लिख सकते हैं, बेटा इसको ब्रेकेट लिख दो एंगल टू प्लस बेटा एंगल हमारा थ्री आ जाएगा। बेटा हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे वो बात हम लोग यहाँ करेंगे। बेटा अगर हम बात करें, हाँ ट्रायंगल हम हमको बेटा यहाँ पर दो ट्रायंगल यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ सी की बेटा बात करते हैं, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एंगल वन बेटा एंगल टू के बराबर होगा, तो सर ऐसे कैसे हम मान लें, बेटा ध्यान दो ट्रायंगल ए ओ सी में ए ओ बराबर का ओ सी हो जाएगा भाई, ये एंगल के बराबर हो जाएगा, सुनो क्या लिखेंगे कि ए ओ बराबर के बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओ सी आ जाएगा, ये इक्वल क्यों हो जाएगा, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सेम सर्किल आपका हो जाएगा, जगह सेम सर्किल की रेडियस ये है, इसलिए बेटा एंगल वन आपका एंगल टू के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अच्छा बेटा अगर ट्रायंगल ए ओ सी की बात करो, तो अभी देखना एंगल जो बेटा आपको फाइव है वो एंगल वन प्लस बेटा एंगल टू के इक्वल हो जाएगा, कहो सर कैसे, हमको मजा नहीं आया, हमको बताओ, तो बेटा हम आपको बताएंगे, ठीक, आप लोगों ने थ्योरम पढ़ रखी होगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बेटा लोग पढ़ रखी होगी, उसमें होता क्या बेटा है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, ये बेटा मान लो अगर एंगल वन है हम यहाँ मान रहे हैं, ये बेटा मान लो एंगल टू हो जाएगा, ये एंगल मान लो थ्री हो जाएगा। बेटा ये थ्योरम मैंने वो क्या एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था ट्रायंगल पे ना पूरा, उसमें मैंने ये थ्योरम आपको प्रूव भी कराई वहाँ पर है। बेटा एंगल वन जो आपका हो जाएगा इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल टू प्लस बेटा एंगल थ्री के हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यहाँ पर थ्योरम हम लोग इसको बोलते बेटा, तो ये वाली थ्योरम का बेटा यूज हम लोग यहाँ करेंगे। तो क्या लिखेगी अब बेटा इसमें देखो, ये आपको समझ में आया होगा, इसकी प्रॉपर्टी बेटा हम लोगों ने यहाँ पिछ करी है, तो बेटा एंगल जो फाइव होगा ट्रायंगल ए ओ सी का बेटा ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो बेटा एंगल फाइव एंगल वन प्लस एंगल टू के इक्वल हो जाएगा। बेटा हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, इसका यूज हम कर चुके लिखेंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एंगल ऑफ बेटा ट्रायंगल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, बेटा एंगल फाइव एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल हो जाएगा। बेटा अगर बात करें सिमिलरली, ऐसे बेटा सिमिलरली सेम बेटा प्रोसेस, अब इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, हमने एक ट्रायंगल में लिख दिया है बेटा, सेम ऐसे इसमें हो जाएगा इन ट्रायंगल, मगर सिमिलरली बेटा क्या जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी, बेटा ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो बेटा आपका एंगल इसमें क्या हो जाएगा, एंगल सिक्स बेटा जो होगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री, सॉरी एंगल थ्री प्लस बेटा एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा, सेम बेटा ऐसे हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखो बेटा, यहाँ चाहो तो बेटा मिल के लिखेंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ बेटा आपका ट्रायंगल हो जाएगा। और ध्यान देना बेटा एंगल थ्री
आपका बेटा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इक्वल की हो जाएगा बेटा, ओबी बराबर का बेटा हमारा यहाँ पर ओसी हो जाएगा भाई, हमारा ओबी ओसी के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। बेटा एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, अगर ये बेटा इसको इक्वेशन 1 मान लो बेटा, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी बेटा। इसके इसकी चीज़ें बेटा इधर लिख हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बेटा आपस में ऐड करोगे तो ऐड करोगे बेटा यहाँ बेटा क्या हो जाएगा 5 बेटा, यहाँ पर एंगल 6 आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या जाएगा। यहाँ देखो देखोगे देखोगे इक्वेशन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपस में ऐड करेंगे। देखो लेफ्ट वाला बेटा लेफ्ट से ऐड हो जाएगा तो क्या जाएगा एंगल 5 प्लस बेटा का एंगल 6 हो जाएगा बेटा। यहाँ देखो देखो एंगल 1 बेटा एंगल 2 यहाँ पर आपस में इक्वल दिए हैं। देखो हमको एंगल 2 यहाँ लेना है तो बेटा जहाँ पर आपका एंगल 1 है, जहाँ पे आपका एंगल 1 बेटा है वहाँ हम एंगल 2 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ ये बेटा कितना जाएगा एंगल 2 प्लस बेटा हमारे यहाँ पर एंगल 2 हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे। अब देखो एंगल 3 बेटा एंगल 4 के इक्वल है, हमको बेटा एंगल 4 की जगह एंगल 3 चाहिए तभी बेटा इसको यहाँ पर हम प्रूव कर पाएंगे। बेटा जहाँ देखो जहाँ एंगल 4 लिखा है वहाँ हम लोग एंगल 3 पुट कर लेंगे। ये बेटा कितना हो जाएगा एंगल 3 पर बेटा हमारा एंगल 3 हो जाएगा। हमने कोई जादू नहीं किया है भाई, देखो एंगल 1 की जगह हमने एंगल 2 पुट कर लिया है। क्यों बेटा? हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखो हमने क्या किया है भाई, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। हम बेटा यहाँ देखो हमको प्रूफ में एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों चाहिए, ठीक। तो बेटा हम 4 क्या करेंगे, 4 की जगह बेटा हम लोग एंगल 3 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो बेटा क्या जाएगा देखो, ये कितना आपको आ जाएगा भाई एंगल 2 प्लस एंगल 2 बेटा कितना जाएगा, ये हमारा 2 एंगल 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो एंगल 3 प्लस एंगल 3 ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा 2 एंगल 3 हो जाएगा। ये बेटा कितना रहेगा एंगल 5 प्लस बेटा ये हमारा एंगल 6 आ जाएगा। अब देखो भाई दोनों ट्रायंगल में ये बेटा इस साइड देखो, यहाँ पर दोनों साइड में दोनों टर्न बेटा क्या हो जाएगा एंगल 2 आपका कॉमन हो जाएगा, तो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बेटा आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी लिख सकते हैं। तो बेटा ये कितना यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 एंगल क्या आ जाएगा एंगल ए सी ए सी बी बेटा हमारे ए बी सी ए सी बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखो एंगल 5 प्लस एंगल 6 बेटा हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो 5 प्लस 6 बेटा एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं। तो ये कितना यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए ओ बी बेटा आ जाएगा, यहाँ एंगल 5 अभी के लिए प्लस 6 ले दो बेटा। देखो यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को मतलब इस थ्योरम को हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स बेटा नहीं क्लियर हो थ्योरम को लेकर के उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। और मिलते हैं मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।